हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने लेड सिल्वर सिस्टम पढ़ा था। इस क्लास में हम मैग्नीशियम जिंक सिस्टम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी गिब्स फेज रूल जो है वो F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन यूज में आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी हम प्रेशर को क्या मान रहे हैं, कॉन्स्टेंट मान रहे हैं 1 atm के बराबर, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे भी ये हमारा सिस्टम कैसा है, टू कॉम्पोनेंट सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि अलॉय, ओके, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि अलॉय बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, ओके, वो कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पे जो भी कंपाउंड फॉर्मेशन या जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या रखेंगे, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को अगर आप हिंदी में कहो तो सर्वांगसम गलनांक, सर्वांगसम गलनांक कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में सर्वांगसम गलनांक कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन, मैग्नीशियम और जिंक सिस्टम पढ़ रहे हैं और मैग्नीशियम और जिंक मिलकर के एक कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे और वो कंपाउंड यहाँ पर क्या रखेगा, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। अब कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो कंपाउंड जो मेल्ट हो जाए शार्पली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे इनटू अ लिक्विड। ऑब्वियसली बात है, एक कंपाउंड जो है वो लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बहुत तेजी से। उस समय मेल्ट होने के बाद उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो सॉलिड फॉर्म में कॉम्पोजिशन के बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, इस कंपाउंड के फॉर्मेशन होने के बाद इस कंपाउंड को जब आप हीट करते हो तो ये क्या बनाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और हीट करते हो तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर आप हीट कर रहे हो, जहां पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो टेम्परेचर हम कह रहे हैं कॉन्स्टेंट है। उस समय इस लिक्विड में जो कन्वर्ट हो गया कंपाउंड और जो ये सॉलिड फॉर्म में था कंपाउंड, उसका कॉम्पोजिशन दोनों का क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। क्या, कॉम्पोजिशन जो है वो सिमिलर रहेगा, सिमिलर रहेगा इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। तो इस टेम्परेचर को जहां पर ये मेल्ट हो रहा है उस समय पे लिक्विड और सॉलिड दोनों का कॉम्पोजिशन सिमिलर है, तो हम उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर हो गया इतना, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे फेज डायग्राम की ओर। हम पढ़ रहे हैं मैग्नीशियम जिंक सिस्टम, यहाँ पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशन, पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, साथ ही साथ जो पूरा मैग्नीशियम जिंक की कोशिश करते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इस फेज डायग्राम में, ठीक है, ये फेज डायग्राम किसका है, मैग्नीशियम जिंक का है, राइट। अब यहाँ पे इस फेज डायग्राम में अगर आप नोटिस करते हैं तो देखो दो सेपरेट यहाँ पे आपको फेज डायग्राम देखने को मिलते हैं एक साथ, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है। लेड सिल्वर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक ही प्रकार का जो है वो वहां पे आपको फेज डायग्राम देखने को मिलता है। यहाँ पे एक ही फेज डायग्राम में आपको दो फेज डायग्राम देखने को मिल रहे हैं, दोनों कंबाइन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार का फेज डायग्राम आपको मैग्नीशियम जिंक के लिए देखने को मिलता है, दो सिस्टम एक साथ। अब देखो होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, ये बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है, मैग्नीशियम का, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट है, राइट। मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम कितना है, 650 होगा, ओके। अब हम कह रहे हैं कि इस मैग्नीशियम में जैसे जैसे जिंक ऐड करते जाते हो, क्या ऐड करते जाते हो, जिंक ऐड करते जाते हो, वैसे वैसे मैग्नीशियम का ये जो मेल्टिंग पॉइंट है धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है जिंक ऐड करने पर, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे डिक्रीज होगा, हम कहेंगे कि ये जो बी से लेकर के ई का जो कर्व है वो कैसा है, वो बेसिकली फ्रीजिंग कर्व है यहाँ पे, किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये मैग्नीशियम का जो विलयता वक्र है,
विलयता वक्र नहीं, सॉरी ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपली इसे ऐसे ही कहेंगे, ये जो बी ई है वो क्या है, फ्रीजिंग कर्व है, किसका, मैग्नीशियम का। क्लियर है इतना, ठीक है। क्यों कह रहे हैं फ्रीजिंग कर्व, क्योंकि मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो इतना है, पर जैसे जैसे जिंक ऐड करते जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ओके, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ये इसका फ्रीजिंग कर्व है, बी ई हमारा फ्रीजिंग कर्व ऑफ, फ्रीजिंग कर्व ऑफ क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम रहेगा इस कर्व पर, साथ ही साथ मेल्ट फॉर्म रहेगी। मेल्ट फॉर्म में क्या क्या होगा, जिंक भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मेल्ट फॉर्म जो है, क्योंकि मेल्टेड फॉर्म है तो इसे हम एक ही फेज मानेंगे यहाँ पे, ओके। और जैसे जैसे यहाँ पे आप ऐड करते जाते हो, यहाँ से मैग्नीशियम जो है वो रिलीज होता जाता है, क्योंकि ये इसका फ्रीजिंग कर्व है, टेम्परेचर गिरता जाएगा तो इस मेल्ट फॉर्म में से मैग्नीशियम जो है वो सेपरेट होता रहेगा। तो बेसिकली इस कर्व पर हमारे पास फेज कितनी होगी, यहाँ पे बी ई कर्व पर हमारे पास फेज जो होगी वो टू होगी, कितनी होगी, टू होगी। एक तो जो सॉलिड Mg निकल रहा है हमारे मेल्ट फॉर्म से, ठीक है, वो, और दूसरा मेल्ट फॉर्म। तो फेज यहाँ पे जो है, ये फ्रीजिंग कर्व ऑफ, जल्दी से लिख लेती हूँ मैं, फ्रीजिंग कर्व ऑफ Mg है, ठीक है, और यहाँ पे फेज कितनी होगी, यहाँ पे टू होगी। कंपोनेंट तो हमें पता ही है कितना है, टू है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ये हो गया कॉम्पोनेंट माइनस फेज प्लस वन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो गया हमारे पास वन, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो गया वन। हमने तीन चार, दो तीन जो है वो वन कंपोनेंट वाले दो सिस्टम पढ़े, इसके बाद जो है टू कंपोनेंट वाला एक सिस्टम पढ़ा। आई होप आपको इतना तो समझ में आता होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, क्या होगा, मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, वन, ओके। नाउ देखते हैं डी सी कर्व, यहाँ पे ये वाला कर्व हुआ, अब देखते हैं यहाँ पे डी सी कर्व। और डी सी कर्व को देखने से पहले आप ये देख लो, यहाँ पे डी पॉइंट, डी पॉइंट पर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डी पॉइंट पर आपको एक यौगिक मिलता है एम जी, ये वाला एम जी जेड एन टू, ठीक है। हम कहते हैं कि मैग्नीशियम और जिंक मिल करके एक यौगिक या एक कंपाउंड बनाते हैं, या फिर एक तरह से कह लो कि अलॉय बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उस अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 590 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो सॉलिड फॉर्म होगी, और जो मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम जिंक का जो ये कंपाउंड है, इसके जो लिक्विड फॉर्म होगी, इस वाले टेम्परेचर पर 590 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर पर, दोनों पर जो है इसकी सॉलिड फॉर्म का कॉम्पोजिशन और जो इसकी लिक्विड फॉर्म का कॉम्पोजिशन है वो दोनों सिमिलर रहेगा। वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। वापस से सुन लो क्या हो रहा है, सेकेंड पॉइंट का क्या पढ़ रहे हैं हम, कि डी पर जो है वो, डी जो है वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो बेसिकली मैग्नीशियम जिंक के कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये वो टेम्परेचर है जहां पे मैग्नीशियम जिंक के कंपाउंड की सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म का कॉम्पोजिशन जो है वो सिमिलर रहता है, और यही टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा उस सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला। क्लियर है इतना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये 420, एक एक करके सबका मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं पहले, ठीक है। ये है हमारा 420 बेसिकली क्या है, 420 यहाँ पर है आपके जिंक का मेल्टिंग पॉइंट, क्या है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट, ओके। अब इस जिंक में आप जैसे जैसे मैग्नीशियम ऐड करते जाते हो, वैसे वैसे क्या होता जाता है यहाँ पे, जैसे जैसे मैग्नीशियम ऐड करोगे वैसे वैसे जिंक का जो टेम्परेचर है वो गिरता रहेगा एसी कर्व के थ्रू, ठीक है, एसी कर्व के थ्रू। तो आपके पास जो ये एसी कर्व होगा बेसिकली जिंक का फ्रीजिंग कर्व होगा। एसी कर्व क्या होगा, जिंक का फ्रीजिंग कर्व होगा, फ्रीजिंग कर्व ऑफ जिंक। क्या, कैसे मिलेगा, जब जैसे जैसे हम Mg ऐड करते जाएंगे हमारे पास एक तो मेल्ट फॉर्म मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ से AC कर्व के दौरान जब टेम्परेचर कम होता रहेगा तो इस कर्व पर जो है हमारे पास जिंक जो है वो मेल्ट फॉर्म से बाहर निकलता रहेगा, तो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जिंक होगा,
ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास मेल्ट फॉर्म भी होगी, तो आप कह सकते हो एसी कर्व पर फेज इतनी होगी, 2 होगी, कंपोनेंट तो हम 2 पढ़ ही रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना होगा, 2 माइनस 2 प्लस 1 होगा, तो यानी कि यहाँ पे भी एसी कर्व पर भी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर इतना, ठीक है। ये हो गया एसी कर्व की बात। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि डी सी कर्व, डी सी कर्व ये यहाँ पे देखेंगे हम, डी सी कर्व जो MgZn2 कंपाउंड है उसका भी यहाँ पे टेम्परेचर गिरता जाता है। कब गिरेगा, जब हम इस कंपाउंड में क्या ऐड करेंगे, इस कंपाउंड में हम ऐड करेंगे जिंक को। किसको ऐड करेंगे, ये जो Zn सॉरी MgZn2 कंपाउंड है हमारे पास, इसमें जैसे जैसे आप जिंक ऐड करते जाओगे इस वाले का, ये वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ से गिरता जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि डी सी कर्व जो है वो बेसिकली मैग्नीशियम जिंक कंपाउंड का जो है वो फ्रीजिंग कर्व है। क्या है, फ्रीजिंग कर्व है। और यहाँ पे भी जैसे जैसे आप जिंक ऐड करते जाते हो, यहाँ से मैग्नीशियम जिंक के कंपाउंड के क्रिस्टल यहाँ से निकालने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ पर भी एक तो फेज हो जाएगी आपके पास सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम जिंक, और दूसरा रहेगा मेल्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा हमारे पास, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के बराबर रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से कहते हैं हम कि ये इसका फ्रीजिंग कर्व है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पे जिंक ऐड करते जाते हैं, MgZn2 का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट गिरता जाता है डीसी कर्व के सहारे, ठीक है। इसके बाद जो है ये सारा बीई कर्व देख लिया हमने, ठीक है, एसी कर्व भी देख लिया हमने, डीसी कर्व भी देख लिया, अब लास्ट कर्व बचता है डीई कर्व, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि डीई कर्व बेसिकली हमें क्या बताता है। ये भी सिंपल है बिल्कुल ही, मैंने पहले ही कहा कि स्टार्टिंग से ही कहा है कि दो यहाँ पे फेज डायग्राम आपको देखने को मिलती है, एक तो लेफ्ट वाली और एक राइट वाली। तो यहाँ पे तो हमने कहा ये क्योंकि जिंक पर, ये जिंक की बात हो रही थी यहाँ पे, तो हमने कहा इसमें जिंक ऐड कर दो। यहाँ पे अगर बात मैग्नीशियम की हो रही है तो हम कहेंगे कि इसी MgZn2 में आप क्या ऐड कर दो, इसी MgZn2 में अगर आप मैग्नीशियम ऐड करते जाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी MgZn2 का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं डीई कर्व भी बेसिकली क्या है, फ्रीजिंग कर्व ही है, ठीक है। इसका MgZn2 का कैसे मिलता है, Mg मिलाने पर आपको यहाँ पे डीई कर्व के सहारे गलनांक कम होता हुआ दिखता है इस अलॉय का। क्लियर है इतना, ठीक है। अब लास्ट में जाकर के यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पॉइंट मिलता है ई, और यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे पॉइंट मिलता है एक सी, ठीक है। तो अब ई पॉइंट पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक तो मेल्ट फॉर्म प्रेजेंट रहेगी, मेल्ट फॉर्म तो रहेगी प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे थे कि बी ई कर्व के सहारे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ से एम जी रिलीज होता रहता है, तो यहाँ पे ई पर हमारे पास क्या रहेगा, एम जी भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहेगा, तो यहाँ पे एक नई और दूसरी फॉर्म क्या रहेगी, MgZn2 भी रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से कहे कि इस ई पर जो है हमारे पास तीन प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है, एक तो है सॉलिड फॉर्म में जो Zn2 है वो Mg के साथ वगैरह, और इसकी मेल्ट फॉर्म के साथ जो है साम्यावस्था में है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहेगा और मेल्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे फेज कितनी हो गई, फेज 3 हो गई, कॉम्पोनेंट 2 ही थे, तो यहाँ पे हम कहेंगे 2 - 3 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो E पॉइंट जो है हमारा वो क्या होता है, नॉन वेरिएंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, नॉन वेरिएंट होता है। क्लियर इतना, ओके। नेक्स्ट जो है इसमें C कर्व पर भी सेम ही होगा, C कर्व पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये सी पॉइंट जो है यहाँ पर भी कौन कौन रहेगा साम्यावस्था में, Zn रहेगा, इसके बाद जो है MgZn2 रहेगा, MgZn2 रहेगा, और इसके साथ साम्यावस्था में रहेगा मेल्ट फॉर्म,
और सिमिलरली यहाँ पे भी तीन फेज होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, जीरो होगा, और हम इसे क्या कहेंगे, ये जो है हमारा नॉन वेरिएंट सिस्टम है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो ये इतना आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लास्ट में जाके ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पर ये तीनों की तीनों फेज आपस में जो है वो साम्यावस्था में रहती है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट भी कहते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट भी कहते हैं, या और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसे यूटेक्टिक टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्ट में हम देखते हैं कि और ज्यादा अगर ठंडा किया जाए, यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे भी अगर आप इस पूरे सिस्टम को ठंडा करते हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्म देखने को मिलती है, एक तो एमजी देखने को मिलता है और एक एमजी जेरेन टू देखने को मिलता है इस यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में, सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, सॉरी राइट हैंड साइड में, और राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या देखने को मिलता है, आपको सिर्फ जिंक और एमजी जेरेन टू का अलॉय देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एमजी जेरेन टू वाले टू कंपोनेंट सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में जो है इसी कॉन्करेंट मेल्टिंग पॉइंट युक्त जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड एक और सिस्टम पढ़ेंगे हम, वो है आपका FeCl3H2O सिस्टम। ठीक है, FeCl3H2O सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।